चालू किया बताओ मैंने। हाँ बस वारिस पठान जी, वारिस पठान जी आज हम आए इधर, जैसा ये मुद्दा हुआ है, क्या रईस शेख का कहना है, क्या उनने की है, गीता गौड़ी जी का कहना है उनने की है, तो ये इसकी सफाई ये आप याद जाए क्या क्या हुआ ये लोग मेरे लोग हैं, ये पहचानते हैं, पूछो मेरे को कितने बरसों से इनके लिए मेहनत किया है, 2 साल का काम है ये। भाई ये इधर पे और कोई भाई नहीं है, तो ये काम किसने, ये काम को अंजाम किसने दिया, की वारिस भाई ने दिए, ये पूरा जो यहाँ से लेके वहां तक और वहां से लेके वहां तक, वारिस भाई और गीता मैडम ने मिलके किया, आप लोग का बनना है भी हमारे लिए किया, लेकिन ये चलती में चढ़ने वाले को हम चढ़ने नहीं देंगे। कौन किसकी बात कर रहे हैं, जो भी है, अरे नाम लेके उसको क्यों, पूरा बदनाम हो चुका है और आज बदुआ दे रहे हैं लोग उनको, अरे रमजान महीने में दुआ लो, बदुआ मत लो, अल्लाह की मार पड़ेगी, बर्बाद तबाह तबाह हो जाओगी। तो गीता मैडम कितनी बार आए थे, गीता मैडम का क्या रोल था, गीता मैडम ने पानी दी, लाइट दी, हमारी जरूरत पे खड़े रहती, छत पे पत्रे डाली, हर चीज किसी ने नहीं, और बाकी का काम हमेशा ये करते, और बाकी काम हारिस भाई करते हैं, बाकी का हम लोगों को पानी सब कुछ देना, कितना मैडम ने किया, की तरह नहीं कि भाई पीठ दिखा के चले गए, नहीं पर रईस भाई ने सब में पहले, जैसे यहाँ के कॉर्पोरेटर रह चुके, ई वार्ड के कॉर्पोरेटर, उन्होंने कहा कि ये 2 साल के अंदर 2017 में मैंने जीत के आया, इन्होंने से वादा किया था कि झोपड़े से बना के घर में लेके जाऊंगा और ये मैंने किया, तो रईस भाई जी गलत जगह ले गए, बोलने दो हम रईस भाई को जानते नहीं थे, 8 महीना पहले बीएमसी में देखे पहली मरतबा, हम रईस भाई को नहीं जानते, मेरी फोटो नहीं उतारना, वो भी है ना बीएमसी में, हमने देखे बीएमसी में, मेरे को बात बीएमसी में देखने के बाद हमको पता चला किसी काम से वहाँ बुलाया, हम जब गए हम बोले आप कौन है जी, तो मेरे से सवाल किए, मैं बोली भाई हम तुम बुलाए तो हम है, हम तुमको पहचानते ही नहीं है, ये 8 या 9 महीने की बात है, उन्होंने बोले हम का सुनो ये बोले हम है ना जितने झोपड़े पात्र है, सुनो नहीं उन्होंने जो बोले वो बोले अब हम लोग जो झोपड़े पात्र नहीं है उसको पात्र करके देंगे, उन लोग ने जो भी काम करने का अपना प्रोसीजर की है नहीं किए वही जानते, अंदर का तो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद हम लोग को बुलाना हुआ वो जगह देखने गए, ये भाई आपने बोल पहले अपन इनसे बात कर लिया, हम लोग को बुलाना हुआ, हम लोग को बुलाना हुआ, जगह दिखाए, कुछ लोग यहाँ छोटे छोटे घर में रहते हैं, वहाँ जाने के बाद घर देख के पागल हो गए, हाँ करे आने के बाद रास्ता 300 किलोमीटर है, कोई 4 किलोमीटर है, दवा खाना नहीं कुछ गलत बात है, मेरी फोटो नहीं उतारना, मैं बोली वो भी गलत, दवा खाना नहीं है, पुलिस चौकी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ निकले तैयार, तो कहाँ कौन सी जगह थी ये आप लोग जो मतलब, ये ऐसी जगह है जैसे माहौल है, माहौल नहीं है पर इन लोगों ने चेंबूर दूसरी जगह पे मीटिंग कर रहे कमिश्नर के साथ, टाइम ले लिया है कमिश्नर, एक आई का पेपर है वारी जी, क्या पेपर है बता, जो हमने लेटर लिखा कि जिस जगह पे अभी गए थे कल देखने वो जगह पे कोई फैसिलिटी नहीं है, दूसरी जगह तो मैंने 211 वोट के भी जो थे मदनपुरे के उनको भी पात्र किया है, यहाँ भी पात्र किया है, पूरी 22 अल्लाह के जितने हटमेंट्स थे जितने पात्र कर सके सबको हमने पात्र किया, और इंशाल्लाह सबको घर मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलता है ये देखो कैसी लोग बदवा देते हैं उसको रमजान के महीने में, अब देख सकते हैं रईस जी के, रईस शेख के खिलाफ है पूरी जनता, रईस शेख का कहना है क्या उन्होंने किए, वही गीता गौली का कहना है क्या उनने ये स्लम के लिए किए, वारिस पठान का कहना है कि हमने किए और गीता गौली से मिलके, अब ये सच्चाई क्या है बहुत जल्द पता चलेगी, F3 न्यूज़ इसकी आपको खुलासा करेगा कि ये वाकई में स्लम के लिए मेहनत किसने की, क्या वो वारिस पठान है, गीता गौली है या रईस शेख है।